अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑनलाइन लेक्चर में हमारा जो पेपर जेरे बहस होगा वो है माइनर एक्ट्स। ये छोटा बच्चा है लर्निंग पार्टी का, और इस बच्चे में 5 सेक्शन हैं, और हर सेक्शन में 2 सवाल होते हैं, जिसमें से 1 सवाल करना होता है, और 20 नंबर का एक सवाल, एक सेक्शन का एक सवाल करना होता है, 20 का दूसरा, 20 का 5 सेक्शन हैं, 20 पॉइंट, 100 नंबर का पर्चे में हर सेक्शन से 2 सवाल आते हैं और करना उसमें से 1 होता है। तो इस हवाले से जो हमारी जो तरतीब है, मैं जरा वहाँ पर प्रस्तुति को लिख लेता हूँ कि इस बच्चे में कौन कौन से सेक्शन है। इसका नाम है कानून खुद, उर्दू में इसको कानून खुद और अंग्रेजी है माइनर एक्ट्स। कानून जो है 2 हिस्सों में तकसीम है, इस ऐसे माइनर एक्ट्स और मेजर एक्ट्स, छोटे कवानी और मेजर एक्ट्स बड़े कवानी। छोटे कवानी में ये जो है 5 सेक्शन हैं, और इसमें नंबरों की तकसीम के हिसाब से आप देख लीजिएगा, नंबरों की तकसीम कैसे होगी। पहला सेक्शन इसका है कानून स्टाम, कानून स्टाम क्वेश्चन एक्ट 1899, स्टैम्प एक्ट 1899, इसके नंबर है 20, 20 नंबर है इसके। नंबर 2 सेक्शन इसके कानून कोर्ट फीस, कानून कोर्ट फीस को क्या कहेंगे, कोर्ट फीस एक्ट 1870, ये 1870 का कोर्ट फीस एक्ट इसमें शामिल है, और कानून स्टाम 1899 का स्टैम्प एक्ट है। नंबर 3 में इस जो कानून कोड है इसके नंबर 20। नंबर 3 कानून मालियत दावाजात, कानून मालियत दावाजात अंग्रेजी में कहेंगे सूट्स रेगुलेशन एक्ट, और नंबर इसके भी 20 होंगे। चौथा सेक्शन इसमें कानून शासी, कानून शासी 1940, लेकिन कानून शासी में लिखा गया आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का नंबर इसके 20 है, आर्बिट्रेशन एक्ट है। और नंबर 5 सेक्शन है कानून किरायेदारी, 5 की जो सेक्शन है कानून किरायेदारी है, अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1959, अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1959।
क्वेश्चन नंबर जो है ये 20 होंगे। छोटा नंबर जो है उसको प्रश्न है, यानी दो सवाल इंतजार में आते हैं। एक का जवाब देना है, दो सवाल में से एक का जवाब देना होता है, और ये बाकी सालों का निजाम भी इसी तरह है। ये कानून खुद मायने रख और जिसकी सेक्शन से आज है वो शॉर्टेज की है। ये हमारा स्ट्रक्चर है इस बच्चे को। इसके साथ अब हम पहला सेक्शन जो है कानून स्टार्ट का स्टार्ट लेंगे। है इसकी जो टॉपिक्स जो हमारे जरिए बैठ सकेंगे उन सबका मैं सीधा सीधा लिख भी लूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं या हमें पढ़ने हैं, और उसमें जो के को बकायदा दफे होते हैं, दफा नंबर है ये, तो उसके लिए पहले हम वो टॉपिक लिख लेते हैं, फिर उसमें किताब को सामने रख के भी तो उसके जो दफा है वो दफा लिख के उसकी थोड़ी सी तशरीह है ताकि आपको समझ भी आ जाए, और दफा तो अगर लिखा होगा बुक में तो वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको समझने की जरूरत। तो कानून स्टॉक में जो टॉपिक्स हैं उसकी एक फहरिस्त बन जाए, कानून स्टॉक नंबर एक टॉपिक है, टॉपिक है इसका मुतलका दफा। मैंने क्या कौन कौन से दफात जो है वो इसमें शामिल होंगे। दूसरा पॉइंट है रसीद की तारीख होगी, रसीद क्या होती है। नंबर तीन है कानून स्टंप की दफा 62 और 65 का तदरीजी फर्क। दफा 62 और दफा 65 इस पर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दस्तावेजात पे ड्यूटी अदा करना। दस्तावेजात पर ड्यूटी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। दफा 456 की तस्वीर नेक्स्ट पॉइंट है। दफा 33 कानून स्टाम्प नेक्स्ट पॉइंट है। दफा 35 की नियत नेक्स्ट पॉइंट है। दफा 33 और 35 मुआवजा इसमें पड़ेगा, और नेक्स्ट पॉइंट है कि रियायत बाबत स्टॉक रियायत से रियायत
गया बाबर स्टॉप है। नेक्स्ट पॉइंट है तमस्क, क्या होता है तमस्क यानी बॉन्ड, और अंधरल तलब हिंदी आगे है 11 नंबर अंधरल तलब हुंडी, हुंडी क्या होता है ये बात करेंगे। और अगले पॉइंट है जी के मुख्तार नाम बाबर अब्दाली, और अगर आपने ये जो दरमियान वाला आपने कानून इस पर तफसील की है ये अगर आपने टेक डाउन कर लिया नहीं तो कर लें, तो इसमें इस फरिश्त को इसके आगे पॉइंट जिसकी दूसरी दो कानून स्टॉप मजिया 1899
started in 1999, इसमें जो दफात हैं उन्होंने लिखा था कि जो मतलब का दफात इसके दिया है तो इस जो का दफात वाला रेलिवेंट प्रोविजंस है अगर हम इसके लिए रेलिवेंट प्रोविजंस तो इसके बारे ये है कि इस कानून स्टॉक की दफात 62-72 में जो है वो तमाम जो तफसील है 62-72 ये जो दफात ये सारे दफात इनमें क्या है कि कानून स्टॉक 1899 के मुताबिक अगर कोई स्टॉप स्टॉप दो किस्म के हैं एक स्टॉप है चस्पानी और दूसरा है मनकश नक्शाशुदा चस्पानी छोटा टिकट होता है और वो किसी दरख्वास्त पे 2 रुपये का 6 रुपये का 10 रुपये का वो असली अदायत जो है वो टिकट की तरह वो लगाया जाता है अगर कोई दरख्वास्त अदालत को देनी है तो कोई दस्तावेज बनानी है तो उस पर मिनिमम टिकट उसके अदायत है वो जिस तरह डाक का टिकट होता है जिस तरह वो टिकट लगता है और उसे मंसूख करके लगता है टिकट के ऊपर बंदे का नाम लिखते हैं जिसकी दरख्वास्त होती है उसकी तारीख लिखते हैं और उसको समझो कि वो क्रास हो जाता है वो दोबारा इस्तेमाल इसको मनसूख करना भी कहते हैं बल्कि ये कानूनी काम है अगर आप टिकट लगाते हैं और आप उसे मनसूख नहीं करते उसको लिखते नहीं हैं ये चीज़ें तो फिर वो भी गलत बात हो जाती है और जरा में आ जाती है तो ये जो कानून स्टाम्प के टॉपिक हम लिखे हैं पहला जो टॉपिक है मतलब दफात है कौन से दफात है कानून स्टाम्प दफा से 63-72 तक इसमें कोई तो रबत है और अगर उनकी खिलाफ वर्जी होगी तो उन्हें सजाएं दी जाएंगी बीच में जो पॉइंट बैन करते जाएंगे उसकी तफसील आ जाएगी लेकिन 62-72 के दरमियान जितने दफात हैं इसमें जाएं यानी स्टॉप से मतलब जो जुर्म हो जाता है स्टॉप नहीं लगाते या ग्रास नहीं करते या ये जराइम हो गए और इनमें सजा दी कि कौन सा काम जुर्म है और उसकी सजा क्या है ये 62-74 तक दफा दिए गए इसलिए बताया गया कि सजाओं को देने का अख्तियार ऐसे मजिस्ट्रेट साहिबान को दिया गया है जो दर्जा दूम के मजिस्ट्रेट के बराबर अख्तियार यानी अगर सजाएं नहीं है तो किसे देनी है दर्जा दूम के बराबर मजिस्ट्रेट को तो जो मतलब सजाएं हैं जिनके फौजदारी कानून है रियासत के खिलाफ है और ये फौजदारी सजाएं होगी इसमें एक तो मसला जो बात करेंगे कि जुर्म क्या है कोई दस्तावेज ऐसी तैयार करना या तहरीर करना जिस पे स्टॉप यानी स्टॉप शुदा हो मसलन अगर वो जो जनरल पेपर होता है स्टॉप पेपर उस पर मनकश होता है पहले से प्रिंटेड होता है कि ये 20 रुपये का है ये 100 रुपये का है ये 10 रुपये का है तो उस पर अगर 20 रुपये का जो नक्शा बना हुआ है 100 का बना हुआ है तो वो मनकश स्टॉप शुदा होता है और तहरीर अगर उस पर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट को आपने गवर्नमेंट से पैसा लेना है तनख्वाह दी है कोई चीज लेनी है कदम से काम लेना है तो उसके लिए तो दी कि अदालत ने वादे किया हुआ है कि अगर ये खिदमत हमसे लेनी है ये काम हमसे लेना है अदालत से लेना है तो वो इतने पैसे दे के आपको करना पड़ेगा तो इसकी हम अगर आप मुनासिब ये बात बताएंगे कि ये पीसे या ये टिकट क्यों लगते हैं इसलिए होते हैं कि हुकूमत जो है इन टिकटों के जरिए लोगों से या आवाम से या
जिन लोगों के कौम काज हैं उनसे पैसा वसूल करके उन पर अखराजात करती है। मिसलन जो अदालतें हैं तो वहाँ का लोग हैं और स्टाफ हैं तो वो अखराजात जो हैं वो मीट किए जाते हैं। इस हवाले से जो कोई दरख्वास्त तहरीर बनाए उस पर शुदा न हो तो कानून के मुताबिक ये जो है जुर्म का दिया जाता है और अगर ये जुर्म है तो फिर दफा 62 जो है उस पर कहता है कि इसमें जो है जुर्म किया है इसको ये सजा होगी। तो कोई 62 का जुर्माना करेगा या इसको जुर्मा करेगा या आगे जो अगर जगह जगह बड़ी बड़ी मालियत की अगर कोई दरख्वास्त है तो उसमें ज्यादा भी जुर्माना उसको दफा 62 में गैर अदर तलब वाजिबन का हुडी या प्रोलोट के बारे में कहा गया है ये दस्तावेजा अगर सबक शुदा न हो तो ऐसा शख्स जो कि इनको वसूल करेगा इन्हें तैयार करेगा उन्हें जारी करेगा वगैरह वगैरह तो इसको वो दफा 62 के तहत जुर्म का मुर्तकी होगा जिसकी सजा जुर्माने की सूरत में हो सकती है उसको 500 रुपये में जुर्माना हो सकता है और कोई ज्यादा नहीं हो सकता। और मसूल की जिंदगी के जिम्मेदार और दिग्गज दस्तावेज अगर कोई शख्स गवाह न होकर किसी और ऐसे से किसी ऐसे दस्तावेज दस्त करेगा जिसमें मसूल की अदायगी लाजम थी मगर मसूल अदा न किया गया हो तो वह दस्तखत करना जुर्म का मुंतकिब हो। यानी क्या अगर कोई टैक्स देना था तो वो दिया नहीं गया तहरीर थी उसने बंदे ने साइन की तो फिर वो भी जुर्म उसमें किया उसको भी सजा हो सकती है जो भी होगी। इसी तरह परमानेंट एसेस है जिसको कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट और टिकट अगर आपने कहा मंसूख नहीं किया और दफा 27 के अहकाम पर अमल न करना। दफा 27 में क्या होता है मालिया की वसूली को तहफ़ुज़ दिया गया है अगर मालिया वसूल किया गया है तो मालिया कदरा वसूल किया गया है और उसके स्टॉक की रकम का तखमीना दुरुस्त पर लगाया जा सके। इस अगर कोई शख्स हुकूमत को धोखा देने की गर्ज दफ़ाइश के कुमार की गई दफ़ाइश में यह कहा गया कि इतना मालिया दे रहे हैं और वो अगर कोई सी दस स्टॉक पर लिखे कि जो सही ना हो और हुकूमत को धोखा दिया तो फिर यह है कि उतने का स्टॉक नहीं इस्तेमाल किया वो हुकूमत को धोखा ये धोखा दिया तो फिर सजा होगी ये सजा 5,000 रुपये तक की हो सकती है। तो इस तरह जो है अगर कोई बाजाबा स्टॉक ना लगाया जाए अगर कोई शख्स बाकायदा स्टॉक लगाए बगैर कोई पॉलिसी तैयार करे या इंश्योरेंस करे उसको टिकट ना जारी करे उसके स्टॉक पेपर पर शिकायत ना दे तो वो पॉलिसी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी इसका मतलब है कि स्टॉक पेपर पर नहीं उसने की तो उस जुर्म की है उसको भी सजा हो सकती है। इसी तरह कोई टैक्स वसूल करना है और वो दफा 68 कानून स्टॉक के तहत जुर्म के लिए धोखा देगी नियत का होना जायज होगी कि जो शख्स हुकूमत को धोखा देने के लिए से ऐसा प्रोनोट होगी जा करे जिस पर असल तारीख की बजाय इसके बाद की तारीख दर्ज हो और उड़ी गैप वगैरह तहरीर जरूरी लिखता है इस पर लेन देन करता है तो वो जुर्म का इंतकाब करता है। यानी कि अगर वो स्टॉक मतलब जो स्टॉक है वो नहीं लगाता हुकूमत को पैसे नहीं देता तो वो भी जुर्म का इंतकाब करता है। इसी तरह इस्तगासा का तरीकाकार है अगर इस्तगासा किया है तो उस पर स्टॉक पेपर इस्तेमाल होता है वो अगर बाकायदा स्टॉक पेपर ना इस्तेमाल किया या मतलूबा ना किया या जिस पर जितना स्टॉक लगना चाहिए वो ना लगाया तो पहली बात तो ये है कि जब ये नहीं लगाएंगे तो अदालतों को या सिस्टम को पता वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर बंदा जो है वो बात को दायर तो नहीं करता फिर वो मुर्तकिब होगा इस जुर्म।
दफा सात जो है इसमें पढ़ना जरूरी है, दफा सात के मुताबिक है कलेक्टर वगैरह की पेशी मंजूरी। तो इस तरह से दायर करने से कबल कलेक्टर की पेशी मंजूरी हासिल की जाए। अगर इस तरह से दायर कर रहे हैं तो माली मामला में माल में, तो फिर उसमें कलेक्टर की मंजूरी पहले लेकर वो इस तरह से किया जा सकता। दफा सत्तर में कलेक्टर की मंजूरी क्योंकि लाजमी है, इसकी मंजूरी के बगैर कोई कार्रवाई गैर कानूनी है। राजीनामा, राजीनामा का अगर कोई लिखा हुआ है उस पर भी दफा अड़तालीस में बताया गया है कि उस पर जो है अपडेट नहीं, जो भी रकम या जो भी मुफाद उसमें होगा उसके मुताबिक उसमें टिकट जो है या जो स्टॉक पेपर है वो वाजे कर दिया गया है पहले से, ज़्यादा वो लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो अगर अदालत पर जाएगी कोई चीज, मजाज अदालत कौन सी होती है, वो कौन सी होती है कि बंदे ने ये काम नहीं किया वो नहीं किया, तो उसको अदालत में ले जाएंगे, अदालत से फैसला करेंगे जिस अदालत। तो दफा इकहत्तर जो है कानून स्टॉक के तहत दिए गए जराइम के बाबत समाज का अख्तियार उस मजिस्ट्रेट को हासिल है जिसके अख्तियार तजद्दुद के बराबर हो। और समाज की जगह कहाँ होगी, हर जिला में जहाँ ऐसी दस्तावेज पाई जाती है तो वहाँ जो कोर्ट होगी तो वो इसको सुन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रिसीव की तारीख है। तो रिसीव जो है वो कैंसिल होती है, कोई बंदा कुछ वसूल करता है, किसी ने किराया वसूल किया, किसी ने कोई ऐसी चीज वसूल की जो अदालत से मुतलक है, जो हुकूमत से मुतलक है। प्राइवेट लोग आपस में कोई रिश्ते गड्ढियों में जारी करते हैं तो बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी रिसीव है जो अदालत में पेश की गई या पेश की जाएगी तो उस पर टिकट लगना जरूरी है, उसको कहते हैं रसीदी टिकट। कुछ जो रसीदी टिकट होते हैं वो सरकार ने जारी किए होते हैं, वो भी मुख्तलिफ पैसों के होते हैं, 5 रुपए 10 रुपए जितने भी, तो उसकी हिदायत होती है कि अगर कोई रसीद ऐसी हो जो अदालत में काबिल इंतकाल शहादत पेश की जाए उस पर रसीदी टिकट लगने जरूरी है। और रसीद जो है किसी भी किस्म की ऐसी हो सकती है जो अदालत में पेश की जाए, अदालत में ना पेश की जाए तो टिकट नहीं है उनको। और जिस दस्तावेज पे चाहे रसीद हो या जो भी हो दरख्वास्त हो अगर टिकट ही नहीं होंगे, रसीदी टिकट या लाइक जस्मानी टिकट या कोई स्टॉक पेपर नहीं होगा तो इसको मतलब ये होगा कि एक तो अदालत उस पर सुनवाई नहीं करेगी, एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर लगाया गया है तो आजाद होगी, कोई टिकट लगाए या स्टॉक पेपर पर दें तो फिर वो कमी जो है वो पूरी करनी जरूरी होती है। रसीद के बारे में है, कोई रकम हो, कोई मंडी हो, कोई चेक हो, कोई प्रोनोट हो, कोई मनगुला जायदाद की वसूली का इकरार हो, कहीं कोई कर्जा की अदायगी का इकरार हो जिसमें कर्जा अदा कर दिया गया तो जो 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 मकरूज था उसके पैसे दे गए तो रसीद बनवा ली या कर्ज सवाल रसीद जारी कर दी कि ये मैं इतना चीज़ें वसूल कर चुका हूँ, किराया वसूल कर चुका हूँ, कर्जा वसूल कर चुका हूँ, उसमें टिकट इसलिए होनी चाहिए कि अगर वो किसी अदालत में जाए तो उसमें टिकट होनी चाहिए। कोई शख्स अगर रसीद देने से इनकार करता है कि जी ये मैं नहीं देता रसीद, सीध देगा तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो रकम की वसूली, वो अदायगी किसी किस्म की टैक्स वगैरह जो भी है तो उसका तो सबूत ही नहीं होगा कि इसे दिया भी है कि नहीं। और अगर सबूत होगा तो उस पर टिकट लगे हुए ताकि वो किसी वक्त कोर्ट प्रोसिक्यूशन में काम हो सके। तो इस हवाले से
तकसीम के बारे में इनकार करना काबिल-ए-सज़ा जुर्म है। तो जो है बगैर रसीद बगैर टिकट लगे बगैर स्टॉप लगे सीट दें या न दें दोनों जुर्म। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है कि कानून स्टॉप में तवा 62 तवा 62 में तो दफा 62 की बात हम कर चुके हैं कि कोई दस्तावेज जैसे टिकट ना लगा हूँ कोई स्टॉप से ना हो वो काबिल सजा जुर्म है। दफा 65 में सिर्फ रसीद न देने के सिलसिला में जुर्म से 62 भर के 62 जो है वो रसीद 62 वसी है कि कोई भी ऐसा तारीख दस्तावेज मेरा भाई है जिसमें काम नहीं लगा जुर्म है सजा हो। दफा 65 में सिर्फ रसीद से बाहर कि अगर वो रसीद जारी हुई उसमें टिकट नहीं लगे हुए या मंदिर का टिकट नहीं लगे हुए या स्टाम पे नहीं बनी हुई या जो है बगैर स्टाम के है तो उससे मुताबिक जो भी सजाएं वगैरह होंगी वो दफा 65 में की जाएंगे। ये दोनों दफा था थोड़ा सा कंपेरिजन। अगर बैठे दस्तावेजों पर ड्यूटी जो है ड्यूटी से ज्यादा टैक्स कोई ऐसे दस्तावेज है कि जिस पर टिकट जमा करना जरूरी है इस सिलसिले में दफा 3 कानून स्टॉक की दफा 3 के तहत टिकट जमा करना जरूरी है और इसमें कुछ ऐसी दरख्वास्त भी ऐसी दस्तावेज भी होती हैं कि जिन पर अगर टिकट ना भी लगाए और वो सरकारी अगर दस्तावेज हो तो उनमें टिकट लगना जरूरी है प्राइवेट में कंपनी टिकट लगना जरूरी है। दफा 3 के मुताबिक ऐसे दस्तावेज जिन पे स्टॉप ड्यूटी अदा करना जरूरी है यानी कि उनके ऊपर स्टॉप लगेगा काबिल वसूल दस्तावेज ऐसे दस्तावेज जिनके जरिए आप टैक्स अदा करते हैं और ये सारी जुजूल अमल में बयान की गई वैसे जैसे कि कोई एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट यानी किसी ने अगर कर्जा लिया है तो उसने ये कहा कि मैंने कर्जा वसूल कर लिया है तो वो उसमें जो नॉन डीड नया है वो स्टॉक पेपर में होना चाहिए और वो जो कोई दस्तावेज ऐसी है जिसके ये लगा होना चाहिए स्टाम पेपर तमस्क एतमाम दर का कोई ऐसा बॉन्ड या ऐसा सर्टिफिकेट है जो किसी तरका तरका से मिला जो छोड़ी हुई जायदाद कोई मतलब का जायदाद उसके बारे में कोई अगर स्टाम आपने तरीब बनी है तो वो भी जरूरी है कि उसका स्टाम लगा जाए। कोई एडॉप्शन डीड है कैनियत नामा है बिना नामा है उस पर भी टिकट लगनी जरूरी है। कोई बयान अर्जी जिसे एफिडेविट कहते हैं और कोई अप्रेंटिसशिप डीड है वो बंदा जो है वो किसी जगह कोई कोर्स करना चाहता है तो या उसे कोई काम करता है उसे कोई थोड़ा खर्चा मिलता है उसको बेसिक करते हैं तो वो भी एक दस्तावेज बनती है कि ये बंदा फला तारीख से फला जगह में अप्रेंटिसशिप करे उस पर भी टिकट लगने जरूरी है। तो ये जो कानून स्टॉक 1899 है ये जारी कब हुआ था 1 जुलाई 1899 से ये जारी हुआ या जारी करता है इसका नफाज 1 जुलाई 1899 को किया गया था। इस पे बयान करता तमाम कवायद का अतलाक 1 जुलाई 1899 से ही किया गया था। वो कह रही है कि जदूल अमल में बयान करता तमाम दस्तावेज 1 जुलाई 1899 या इसके बाद पाकिस्तान में तहरीर तकमी की गई हूँ उन पर भी स्ट्रॉन्ग ड्यूटी की तहरीर लाजमी है। स्टॉक ड्यूटी कैसे होती है स्टॉक खरीद कर 1200 का 1000 का लगाएंगे तो वो ये कह रहा है
दफा 4, 5 और 6 की तफसील है। तो इस पर हमारी बात होगी कि दफा 4, दफा 5, दफा 6 क्या काम करते हैं। दफा 4, दफा 5, दफा 6 का नुस्खा में दस्तावेजात के काबिल मस्तूल होने के मतलब वजाहत की गई। ऐसे दस्तावेजात बताई गई हैं इन पर मसूल लगेगा कि इन तीनों दफात में ये बातें लेंगे। दस्तावेजा की वजह है किस किस्म के मामला पर कैसे मसूल अदा किया जाता है। दफा 4, 5, 6 बाजार जैसे तो हैं लेकिन मैं वादत फर्क है। इन तीनों तीनों का मकसद दस्तावेज का मसूल आज करना उसकी मसूली को यकीन बनाना है। क्योंकि कुछ दस्तावेजात ऐसी होंगी हल्के मसूल की फर्ज करें हैं वो 4 के तहत आती हैं, थोड़ी उससे बड़ी हैं थोड़ी उससे बड़ी हैं वो 5 और 6 के तहत आती हैं। तो इस दस्तावेज में ये टिकट लगेगा इसमें ये स्टाम लगेगा तो ये थोड़ा सा फर्क मालियत के अतबार से ये तीनों दफात जो है वो बयान करते हैं। दफा 4 के तहत कौन से दस्तावेजा हो सकती हैं। बैनामा, रैननामा, कोई तस्वीरनामा वगैरह इस तरह के जो दस्तावेजात हैं वो दफा 4 के तहत आती हैं और इन इनका इस्तेमाल भी लगती है जो जो हदायत पहले से इस पर मौजूद होती है। इधर दफा 6 में भी कुछ वजात मौजूद है। दफा 5 के अहकाम की पाबंदी करते हुए अगर कोई दस्तावेज इस तरह जब्त तहरीर में लागी हो तो कानून अदा की जद्दुल अमल में दिए गए मामला से 2 या 2 से ज्यादा अक्सम के तसाती हो जबकि जद्दुल अमल के मद्दा है इस तरह के हर किस्म अलग मसूलात में मशहूर हो तो दफा 6 के मुताबिक उन तमाम पर सबसे ज्यादा मजबूर वसूल मालियत के इस्तेमाल लगाए गए। क्या कहा जाता है दफा 6 में कि अगर दस्तावेजात मुख्तलिफ हों किसी पे छोटा किसी पे थोड़ा बड़ा किसी पे सबसे बड़ा किसी पे छोटा है तो अगर वो सारी दस्तावेजात जो हैं अलग अलग हों तो फिर तो उनका छोटा टिकट लग सकता है या कोई जम्मू है। अगर वो सारी किसी एक मामले से मुताबिक हों तो फिर उन पर जो सबसे ज़्यादा टिकट है बड़ा टिकट है वो सब पे लगाए। हुकूमत जो है पैसे वसूल करने का भी तरीका समझती है। लिहाजा दफा 4, दफा 5, दफा 6 के मुताबिक मुख्तलिफ दस्तावेजात पे मुख्तलिफ टिकट भी लग सकते हैं अगर वो एक मामले के लिए एक दस्तावेज पेश किए। तो इसे नेक्स्ट पॉइंट जो है दफा 33 की बात करेंगे। दफा 33 क्या कहता है। दफा 33 दस्तावेज की जब्ती का तस्वीर तफसीलन कहते हैं। जब्ती से मतलब यह है अगर कोई दस्तावेज दी है अदालत हो या किसी फोरम को सरकारी फोरम को दिए किसी इंतजामी अफसर को दिए किसी अदालती अफसर को दिए किसी अदालत को दिए और वो स्टाम्प नहीं लगा हो लगना चाहिए था नहीं लगा इसका मतलब वो खराबी हो गई जुर्म हो गया और उस जुर्म के पादाश में वो दस्तावेज जो बंदे ने दी थी वो बहुत जब्त हो जाए यानी कि वो अदालत में दबल जब्त कर देगी वो फॉरम है कि वो वापस भी नहीं मिलेगी इसी जुर्म की बदाश में कि जी उसका टिकट क्यों नहीं लेगा। ये दफा क्या बनना है 33 जब्ती के बारे और इसमें ये भी है देखा जाए कि इस्लाम की भी कितनी लगनी चाहिए थी कितनी लगी है कम है तभी और नहीं लगी तभी उस पर वो जब्त की जा सकती है। इसमें कोई ऐसा अदालती अफसर या दूसरा शख्स जिसे कानून के तहत शहादत लेने का अख्तियार हासिल हो और किसी उस शुबे का इंचार्ज हो
दफ्तर जा रहे हो वो भी ये काम कर सकता है, कोई दस्तावेज जब्त कर सकता है। तो नेक्स्ट दफा मैं जे मैच है दफा पहली तैतीस को दसवें को जब्त कर देगी, पैंतीस क्या करेगी कि मालिया की बढ़ोतरी यानी कि मालिया में इजाफा और उसकी वसूली मालिया जो है वो बढ़ता रहता है जमीन या फसल या जिस किस किस्म की है उसमें मालिया बढ़ता है। तो अगर कोई मालिया बढ़ा तो फिर क्या है कि जहां मैंने कानून स्टॉक में दस्तावेज की कानूनी अस्पताल तय है वो दस्तावेज जो कानून रजा के तहत बाजार दस्तावेज न हो उनकी कोई कानूनी असर नहीं होती और उस दस्तावेज के साथ गया कि गैस कोई नहीं किया जाएगा और न कब स्टॉक वाली दस्तावेज की भी कोई असर नहीं होगी। पूरे टिकट क्यों लगे 1200 का स्टॉक लगाना था बंदे ने हजार रुपये लगाया तो वो नहीं माने गए। तो 35 नामकम्मल जो है दफा स्टाम्प के बारे में पूछता है कि ना ये थोड़ा है भाई पूरा करो और अगर असल स्टाम्प की कमी को पूरा कर दिया जाए तो दस्तावेज दफा 35 का मकासद के लिए शहादत की गैर से कबूल किया जा सके। कम था तो टिकट पूरा किया तो तब जाके वो काबिल कबूल होगा या काबिल इंतकाल शहादत होगा, वरना कोई अदालत अगर आप कोई जल्दी पेश करेंगे अदालत ने अगर उसको आपकी फाइल में लगाना है आपकी जो है मुकदमे का जो दस्तावेजात है डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसा बन जाएगी ऐसा वो तभी बनेगी जब उस पर कोई खर्चा आपने दिया, खर्चा ना दिया तो सर वो बात नहीं करते। ये तो ऐसा बड़ा हिसाब किताब है हुकूमत के अदालतों का कि अगर आप कोई तहरीर देते हैं अदालत को कहिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए मुझे दादा से चाहिए तो वो कहेंगे ये तो आप ये अलगाम करेंगे अलगाम करेंगे पैसा दो, हुकूमत जो है वो पैसा लेकर काम करती है क्यों डेफिनेटली वो खर्चे करती है, जब वो खर्चे करती है तो फिर खर्चा कौन देगा बंदा अपना खर्चा दे दो वहाँ से। वाला होता है वो भी स्टॉक पेपर में किया जाता है तो स्टॉक शुदा समझा जाएगा। तो 35 मुकम्मल जो हमने बता दी 33 और 35 को बाद लाओ 33 में क्या होता है जब्त हो जाता है और 35 में कमी को पूरा किया जाता है। 33 में कहता है कि अगर वो स्टॉक पूरा नहीं है उसको जब्त करोगे अच्छा 900 वो करेंगे 9 वापस दे। 33 जो है वो कहता है कि स्टॉक कम है और इसको पूरा करो पूरा नहीं करेंगे तो कानूनी सुनवाई नहीं। ये दफात जो है इन बातें रियायत वापस स्टॉक रियायतें क्या दी जाएंगी स्टॉक के हवाले से कुछ रियायत होती है उसका मेरी बात भी होगी कि रियायतें कौन सी हैं कि जो हुकूमत देती है स्टॉक के बारे में। रियायतें तो उसे ये होती हैं कि अगर एक स्टॉक पे 95% टिकट लगे हुए और 5% नहीं लगे हुए तो वो उसे जो है यानी स्टॉप शुदा ही जिसने करता है यानी 25% लगा दिया तो 5% रह गया तो उसको वो रिजेक्ट नहीं करते लेकिन ये होता है कि बाद में कमी पूरी कर दिया जाए तो चेंज कर।
इसके अलावा कुछ काम अगर जाया स्टॉक बनाया था पानी से जाया हो गया, किसी और चीज से जाया हो गया, थक गया, तो उस सूरत में उसकी जगह न्याय लगाने की इजाजत होगी सही, लेकिन वो कम फीस में रियायत होगी कि चलिए जाया हो गया कि पहले अपने 1200 का रहता था 500 का रहेगा तो ये रियायत मिल जाएगी। इसी तरह कोई जाया गया स्टॉक पर है, कोई तारीख उसकी पुरानी हो गई, स्टॉक लिया था खरीदा था लेकिन वो कौन दरमियान में उसको जब लिखना था नहीं लिख सके, अब लिख रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं तो फिर उसमें तो आज की तारीख आज के वक्त के मुताबिक उसमें स्टॉक मिलना चाहिए। अगर आज से साल पहले स्टॉक खरीदा तो उसको उस मकसद के लिए 100 रुपये का स्टॉक था, आज उस मकसद के लिए 500 रुपये का स्टॉक, तो वो कहेंगे कि ये जो पहले आपने लिया था सही, लेकिन चूंकि ये वक्त ज़ाया हो गया, स्टॉक इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आपको ये हम कहेंगे कि आप नया स्टॉक लें और उतने का ले लें, यानी इसको माइनस करके जो बाकी है वो लें, तो लेकिन नए वक्त जाने नए कीमत के दर्ज नहीं, तो ये भी एक रियायत है कि जो स्टॉक के बारे में लोगों को मिल सकती है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पैसे
ए को कर रहा है दो, बी के पास ए के पास पैसे नहीं होते, वो मिस्टर सी को कोई तहरीर भेजता है, सी को भेजता नहीं है, भेजता वो बी को ही, ये मैं एक भेजता हूँ कोई दस्तावेज, कोई चिट भेजता हूँ, कोई गोल्ड नंबर भेजता हूँ, ये तुम जाके मिस्टर सी को दे दो, वो तुम्हें पैसे दे दे। अब ये हुई तीन लोगों के दरमियान हुई, ए ने बी के पैसे देने, बी के पास पैसे नहीं है, वो सी को कहता है कि तुम मेरी जगह उस ए को पैसे दे। इस तरह से एक इख्तियार जो है वो दिया जाता है किसी शख्स को, तुम पैसे दो, वो आप तुम्हें मिलते रहेंगे, लेकिन जिसको पैसे मिलने हैं उसको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पे है मुख्तारनामा। मुख्तारनामा तो अगर बतानी है, ये कौन सी प्रैक्टिस है कि कोई शख्स जो है अपने अख्तियार किसी दूसरे को देता है, उसको मुख्तार बनाता है, अख्तियार देता है, ये लिख के देता है, तो मुख्तारनामा है। दो तरह के मुख्तारनामे, एक मुख्तारनामा आम है, एक मुख्तारनामा खास है। पावर स्पेशल पावर बटन जनरल पावर, जनरल पावर बटन ज्यादा खतरा होती है कि बंदा किसी मामले में सारे अख्तियार उस बंदे को दे देता है कि जो मेरे अख्तियार है वही इसके, मेरे तो मुझे जिम्मे है ये के बस कहेंगे वो जितने उसे जायदा मजबूला गायब उसके बारे में किसी आदमी को अख्तियार देता है कि मेरी मनकुला गायब सारी जायदाद के बारे में ये बंदा जो मर्जी करे, यानी जो मैं कर सकता हूँ वो एक जनरल पावर बटानी है। और ये थोड़ी जिसकी होती है, एक होती है खसूसी मुख्तारनामा खास स्पेशल पावर बटानी में, वो कहते हैं मेरी जायदाद में ये मनकूला जायदाद का इसको अख्तियार है, गैर मनकूला कैसे करनी है, जिसने उसे तख्सीस कर दी कि ये मुख्तारनामा खास हो गया, जिसमें छोटी चीजों का अख्तियार है सारी में नहीं। सभी दृष्टि की कोई चीज है, और किसी चीज के मुश्किल का मालिक होते हैं, मुश्किल का मालिक में जायदाद के मामले में जायदाद की तकसीम के बारे में जो भी तरीके कानूनी या तरीके हुक्म हो वो दस्तावेज बाब तकसीम करें, चार पांच लोगों की मुश्किल का प्रॉपर्टी है, तो चाहते हैं कि जी वो अदालत के लिए वो तकसीम हो रहा है, वो अपने से मिल जाए, जब वो दस्तावेज बनाएंगे अदालत को दरख्वास्त देंगे ये तकसीम करें, तो ज़ाहिर है बंदा अदालत का ड्यूटी पर आएगा तो वो अपने अदालत अपने अखराजात वसूल करके तो उस तहरीर पर स्ट्रॉन्ग मतलबा लगा होगा, तो फिर वो उसको तकसीम करके देंगे या उसका उस काम होगा, लेकिन उस दरख्वास्त में वैसे दस्तावेज जिस पर टिकट लगाएंगे तो वो काफी सुनवाई होगी। तो इस तरह की जिस दस्तावेज जिस दस्तावेज के जरिए किसी जायदाद के मुश्किल का मालिकान ऐसी जायदाद को गैर मुश्किल का मालिकियत में तकसीम करें, गैर मुश्किल का सुना सब अपनी अपनी होगी, और किसी दीवानी अदालत का तकसीम अमल पजीर करने का हुक्म हो, किसी दस्तावेज में किसी सालस का तकसीम करने का फैसला हो, ये तमाम जो दस्तावेज ऐसी तहरीरें हैं जो तकसीम के बारे में दी जाए, तो उन पर जो है जो मायन है स्टॉक को लगना जरूरी है। काबिल फरोख्त कफालत नामा का स्टॉक भी कहता है। कफालत नामा क्या होता है? कफालत नामा भी एक तमसक तरह की चीज होती है कि
गारंटी होती है। एक बंदे ने किसी बंदे से कर्जा लिया, कर्जा लिया तो कर्जा वापस करने के लिए उसने जमीन ले ली, कर्जा वापस करने के लिए उसने कोई जो है सिक्योरिटी में कोई चीज रखी, कोई सोना रखा, कोई चीज और रखी, तो उसने लिख दिया कि अगर मैं पैसे वापस नहीं कर सका तो ये तो बेच देना, ये तो ले लेना। तो इसका मतलब वो काबिल फरोख्त जो है वो कफालतनामा है, तो उस पर भी स्टॉक पेपर लिख के देगा। वो कहेगा कि मैं कर्जा जो है आपको कर्जा देता हूँ, या लेने वाला कहता कर्जा देता हूँ, ये कर्जा मैं वापस कर सकता तो ये मेरी गाड़ी है 10 लाख की है, ये मैं लिख के देता हूँ, जब कर्जा वापस करके तारीख है और आपको ना मिला ये गाड़ी आपकी, वो गाड़ी आपकी जो है वो ये जो लिखी गई बात वो स्टॉक पेपर पे होगी, पर ऐसे स्टॉक पे होगी कि जो मजदूरों का के बीच में यही रहेगी। गाड़ी की कीमत 10 लाख है, 10 लाख की मालियत के बराबर उस वक्त स्टॉक लगेगी, तो ये भी एक है कि फिर कोई मवादा हुई हो, कोई प्रॉमिसरी नोट हो, तो मेवा शराब की कोई चीज हो, उस पर भी इसी तरह का जो है स्टॉक पेपर पर बनना चाहिए, ताकि फिर वो कीमत अदा करके तो आप कोई अदालत से हुकूमत से कोई काम जान सकते। तो कहते हैं कि नेक्स्ट में अगला तो मुकासद क्या है, अगला तो मुकासद क्या है, स्टॉक हुकूमत भेजती है तो यानी कि पैसे वसूल करने का मकसद है, ये काम तुम्हें करके देंगे, ये तुम्हें फाइल तकसीम करके देंगे, ये अदालत में तुम्हारी दस्तावीज है इसे शहादत में डालेंगे, ये डिग्री है, ये रजिस्ट्री है, ये चीजें तो ये शहादत के तौर पर लेकर तुम्हें कोई फायदा बचाएंगे, फायदा बचाएंगे तो हमें क्या फायदा, अदालत ऐसे थोड़े काम करती है, वो आगे वाला सब पेपर पढ़ेंगे कोर्ट फीस जो भी है, तो वो भी जरूरत होती है। और स्टॉक जो है, स्टॉक के बगैर आप अदालत से या सरकार से कोई काम नहीं ले सकते, तब तक कि आप जो है आप अगर इसका वही घोषणा करें कि स्टॉक का पेपर दे तो ये अदालत का मकसद ये है कि वो दें पैसे दें काम करें, पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे, तो इससे ये जो टॉपिक थे तकरीबन मुकम्मल हुए, एक दो टॉपिक अगले लेक्चर में शामिल भी कर लेंगे, और ये कानून स्टॉक 1899 पर सीधा सीधा हमारी बात हुई है, किताब देख कर भी आप उसकी मजीद कर सकते हैं क्लैरिफिकेशन, और समझ आने वाला है, कंफ्यूजन नहीं है, अगर आप उर्दू की इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर देख के उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, ये हमने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट